हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी है मॉर्निंग टाइम और अभी सुबह की बज रही है 6:30। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं आपको ले चलती हूँ बाहर, वहाँ दिखाती हूँ कि बाहर कैसा है, अंधेरा है कि उजाला हो चुका है। और 7:45 अभी हो रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी चांद। तो फ्रेंड्स, बाहर अभी अंधेरा है, हल्का हल्का अभी उजाला हो रहा है, तो ठंडी ठंडी हवा भी बाहर चल रही है। तो अभी थोड़ा मैं योगा वगैरह करूँगी, उसके योगा वगैरह करने के बाद मैं ग्रीन टी बनाऊँगी, उसके बाद ही सारे काम शुरू होंगे। और अभी मेरे मशीन में कपड़े भी लगा रखे हैं, वो मैं धो लूँगी। बच्चों के तुरंत जाने के बाद ही थोड़ा सोने का मन भी होता है कि सो जाएं, लेकिन फिर काम। और सुबह उठ, अगर आप जल्दी सुबह उठते हैं तो आधा घंटा अपने निकालना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, वो आप किसी भी रूप में निकाल सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। तो अभी बाहर तो अंधेरा है, वॉक तो थोड़ी देर में मैं जाऊंगी करने, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने के बाद बना लूँगी ग्रीन टी और फिर मैं आपसे मिलूँगी। फ्रेंड्स, मैंने योगा कर लिया आधे घंटे, उसके 5-10 मिनट बाद मैं ये क्वावा खा लूँगी। सुबह में फ्रेंड्स, आप जितना हो सके फ्रूट खा सकते हैं, और फ्रूट में कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये क्वावा है तो ये मैं खा लूँगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हम सभी लोग जितना ज़्यादा हो सुबह में फ्रूट लेने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि सबसे पहले हम लोग गर्म पानी, तो आज की डेट में सभी लोग पीते होंगे, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे पहले अगर अच्छी चीज़ें जाती हैं तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, हेल्दी रखती हैं। उसके बाद भले ही हम थोड़ी देर में चाय वगैरह पी लें, और सुबह उठकर बिल्कुल भी चाय ना पिए, फ्रूट ही लें, चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो। और मेरी ग्रीन टी के लिए मैंने यहाँ पर पानी उबल चुका है, अब मैं इसमें ग्रीन टी डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं ये फ्रूट खाने के बाद और ग्रीन टी पीने के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने 10-15 मिनट पहले ही यहाँ पर सफाई की किचन की, और किचन से सफाई करने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं अंदर चली गई थी, और जैसे ही थोड़ा आराम करने के लिए मैं अंदर गई, तब तक अभी रूप आ गया कि गाजर छिल के दो, अब गाजर छिल के दो। तो क्या फ्रेंड्स, आप क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप सारा काम किचन वगैरह का करके और अंदर चले जाओ और फिर बच्चे कुछ मांगे? एक घंटा डेढ़ घंटे बाद कोई बोले तो ठीक है, लेकिन उसी समय कोई बोले कि नहीं हमें ये खाना है। किचन साफ़ किया था मैंने, फिर से वापस मैंने किचन साफ़ किया है, उसको गाजर खाना था, गाजर वगैरह छिल के दिया और अमरूद वगैरह काट के दिया, गाजर वगैरह छिल के दिए, और अभी फिर मैं अंदर जा रही हूँ। किचन एकदम साफ़ मैंने कर दिया है फ्रेंड्स, बर्तन भी धुल दिए हैं, और यहाँ पर नींबू है, इसको मैं अंदर देखा। तो हम चलते हैं अंदर, थोड़ा आराम करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलना चाहिए हम लोगों को भी। पूरे दिन भर हम लोग लगे रहते हैं फ्रेंड्स काम पे,
और जैसे ही हम लोग थोड़ा बैठते हैं वैसे ही बच्चे आ जाते हैं कि ये दे दो वो दे दो। तो यही सब है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आपको शाम में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी है इवनिंग टाइम और मैं सो के उठी हूँ, एक डेढ़ घंटा सोई हूँगी। तो अभी बज रही है 5 और मेरी बन रही है यहाँ पर चाय। और साथ में मैं करूँगी तैयारी खाने की। खाने में मैं बनाऊँगी आज भिंडी की सब्जी और रोटी। तो शाम को यही बनेगा हमारा, भिंडी की सब्जी और रोटी। अभी फ़िलहाल हम लोग चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स। जागो जागो, देखो ये जाग नहीं रहा। अरे आजा, भीगा भीगा है समा। दोस्तों ये तो मस्ती था, मजाक था, और अभी रुको नहीं उठा पाए तो मैंने कहा चलो डांस करते हैं। भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा। तो फ्रेंड्स मेरी बन रही है सब्जी यहाँ पर। आटा मैंने लगा दिया है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मार्केट और आटा मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो के द्वारा एंजॉय करते होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।